पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रिमांड पर है। पुलिस ने इसे एक पुराने मामले में रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस ने सिंगर मूसेवाला के कत्ल से खुद को अलग कर लिया है, साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट की भी जानकारी न होने की बात कही है। लॉरेंस ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट डाले जा रहे हैं उनमें उसका या उसकी गैंग का कोई रोल नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो लॉरेंस ने ये खुलासा जरूर किया है कि विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही मूसेवाला की हत्या की गई है। इसके अलावा पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रही वर्चस्व की जंग की कहानी भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टर अपना पैसा लगाते हैं, गैंगस्टर नए कलाकारों का डेब्यू कराते हैं और उनके एल्बम बनवाते हैं और फिर प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। इसी कारण वहां उभरते कलाकार इन गैंगस्टर के संपर्क में आते हैं। गौरतलब है कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब में मानसा जिले के जवाहर के गांव के नज़दीक गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार ने ली है। ये गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का ही करीबी है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।